गायज अभी आ चुका मैं बिल्कुल पहाड़ की एकदम से चोटी पे और अब आप आपको दिखाऊंगा एकदम से ऐसे हेवनली व्यू मतलब मानसून का ऐसे वैसे महीना सितंबर का लग गया अब तो मानसून मतलब खत्म हो जाना चाहिए था मगर मानसून जैसे लग रहा अपनी पीक पे पी पहुंच गया वैसे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो मतलब कितने अच्छे अच्छे दृश्य दिख रहे और पीछे हमारे रहे रहिए कहन माता मंदिर और यहाँ से बिल्कुल थ्री व्यू है तो आपको दिखाते हैं मतलब थ्री व्यू यहाँ से ये मंदिर रहा और इस साइड भी देखिए मतलब कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी इन एरियाज़ में भी ये जितने भी एरियाज दिख रहे हैं और इस साइड आ गया बैक साइड आ गया बड़ा गढ़ माता मंदिर जो कि बिल्कुल टॉप पर वहाँ पे वहाँ पे भी ढक जाएगा थोड़ी देर बाद और यहाँ नीचे तो देख सकते हो आप बिल्कुल मतलब अभी ये थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा कवर कपूर होने वाला है और ये रहा साथ में मंदिर और इस साइड रहा छोटा गढ़ या फिर उसको भी बोलते हुए और बिल्कुल थ्री सिक्सटी भी यहाँ से बिल्कुल न्यूट्रल और आप अभी जैसे ये देख सकते हो नीचे अभी ये जंगल है पूरा जंगल को कवर करके जो फॉग है वो कवर करते करते ऊपर आ रही है ऐसे और कुछ टाइम लैप्स भी लिए मैंने आपको और दिखाऊंगा उसको भी और जैसे कि यहाँ से भी देख सकते हो आप मतलब कितना हर कुछ लग रहा है और ये रहा मंदिर कहा माता मंदिर जय माता दी जय माता ये मतलब कि ऐसी जगह है कि मतलब आप यहाँ पे जितनी बार भी आओगे कि मतलब ऐसा लगेगा कि, कि नहीं हर बार मतलब आपको कुछ ना कुछ न्यू दिखता है जैसे मैं भी मतलब एक साल में कम से कम पचास अगर बार तो यहाँ पे विजिट करता हूँ सर्दियों के टाइम गर्मियों के टाइम तो मतलब यहाँ से बिल्कुल एकदम से चारों तरफ का व्यू नज़र आता है जैसे इस साइड आ गया ये ये आ गया और नीचे सलेचौड़ी साइड कह रही है और भले माता मंदिर भी ठीक उस उस पहाड़ी के बिल्कुल बैक साइड से दिखता है और डेहलॉजी की रेंज भी वहाँ से डायरेक्ट दिखाई देती है और वहाँ भी छोटा गढ़ माता मंदिर है वहाँ पे भी और ये दूर दूर तक डैम भी वहाँ से दिखाई देते हैं यहाँ से और ये भी मतलब एकदम से चारों तरफ का व्यू और मोस्ट इंपॉटेंट चीज़ वहाँ पर बड़ा गढ़ भी दिखता है यहाँ पर जो कि मतलब काफ़ी पॉपुलर है काफ़ी लोग विजिट कर रहे हैं आजकल वहाँ पर और बस ऐसे ही और नीचे जंगल साइड कह रहे तो जंगल ऐसे मतलब बिल्कुल फ्रेश रहता है एकदम से फ्रेश इन्वायरमेंट रहता है इस वजह से तो मतलब चारों तरफ से ऐसे मतलब एक तो हर तरह का व्यू दिख सकते हो मतलब अभी यहाँ का भी दिख सकते हो अगर इस साइड का अलग से इस साइड का अलग से मतलब सेम किसी साइड का नहीं दिखेगा आपको बस ऐसे इसलिए काफी सही जगह है ऐसे चलिए अब मैं बनाता हूँ आपको अपने दोस्त से मतलब मेरे दोस्त तो क्या मतलब दो साथी मिल गए मुझे यहाँ पे उनसे मिलाते आपको रूबरू करवाते हैं और ये रहे हमारे साथी और ये है ऋषि ठाकुर और ये है मनोज ठाकुर और ऋषि ठाकुर भी यहाँ पे आए हुए हैं और आप नीचे देख सकते हो ऐसे मतलब फॉग ही फॉग मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा है ऐसे ऊपर ऊपर तक और देखते थोड़ी देर मतलब मौसम साफ हो जाएगा तो काफी काफी अच्छे अच्छे दृश्य दिखेंगे दृश्य दिखेंगे जो हम आपको दिखाएंगे अभी मगर अभी तो फिलहाल सब कुछ डग चुका है हां जी ऋषि जी पैदा कैसे योग अच्छा कैसे योग किया जाता है आप दिखाओगे अच्छा के वाला कैसे किया जाता है अरे वाह भाई क्लैपिंग हो जाए इसके लिए ऋषि ठाकुर ओपी मस मस कितनी देर तक खड़े रह सकते हो आप दो घंटे <laughs> तक नहीं नहीं सच में कितनी देर तक दे दस बीस पाँच अगर मिनट दो अगर मिनट सही तरीका है बहुत बढ़िया मनोज ठाकुर आप करते हो नहीं करते हो अच्छा चलो हो जाओ नीचे हो जाओ नीचे ऐसे दिक्कत आएगी नहीं तो मुझे तो काफ़ी ऊपर जाना है मगर ये मिल गए भाई लोग ऊपर चलोगे चलो चलना तो क्यों 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 नहीं चलना घर से जाना।, जाना।, जाना अच्छा ठीक है फिर मिलते हैं ओके okay, बाय चलते हम चलते हैं ऊपर ऊपर बस अभी अभी आगे आगे जा रहा हूँ मैं और आप पीछे देख सकती हूँ कितने ज़्यादा फॉग हो गए यहाँ पे बिल्कुल अभी कुछ भी दिख नहीं रहा है ऐसे इस साइड भी ऐसे धुंधी धुंध होगी इस साइड भी धुंध होगी और ये नीचे जंगल की वाली साइड भी और बस ऐसे धुंधी होगी और अभी ऊपर तक जाना काफ़ी ऊपर तो गाय जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है जैसे शाम के पाँच बज गए अब तो मतलब मौसम और ज़्यादा हसीन होता जा रहा है ऐसे एज यू कैन सी मतलब बैकग्राउंड में मतलब और बेहतर जितना बेहतर से उससे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने की आगे आ गया जैसे उससे ज़्यादा बेहतर हो रहा है आप जैसे देख सकते हो आप मेरे बैकग्राउंड में इस साइड से इस साइड से या किसी भी दिशा में ऐसे और स्पेशली इस साइड का इस साइड का मतलब इतना सही हो रहा है कि मतलब लगता है कि हाँ बैठा रहा काफ़ी ज़्यादा सही है मतलब आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये यह देखिए इस साइड मतलब अब धीरे 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 दी, अब पोता तो जा रहा है अब पोता तो जा रहा है अब पोता तो जा रहा पो तो है ऐसे ऐसे और फिर ऊपर चलेंगे और ठीक उस जगह पे तो बिल्कुल ही अच्छा है ऐसे इसके मैं सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ आप उसको देखिए उनको इन्जॉय कीजिए और इस जगह पे मतलब काफ़ी ज़्यादा सनसेट वाइब भी आती है मतलब काफ़ी अच्छा सनसेट होता है यहाँ पे ऐसे अभी तो खैर उतना मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको और मतलब इमेजिन कर सकता हूँ मतलब कितना सही सनसेट रहता होना यहाँ से बिल्कुल हैवेल नहीं व्यू आता यहाँ से फिर बस ऐसे ही चल रहा है ऐसे और मेन बात तो होती है ऐसे मतलब बादल वगैरह मिल जाते हैं और ये साइड का बिल्कुल घना जंगल है काफ़ी ज़्यादा घना जंगल और काफ़ी ज़्यादा जंगली जानवर भी यहाँ पे होते हैं और ऐसे अटैक के भी काफ़ी ज़्यादा खतरे होते हैं आजकल तो काफ़ी ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं ऐसे कि अटैक हो रहे है कोई क्या हो रहा है कोई क्या हो रहा है ऐसे और इस साइड भी ऐसे और ये साइड आ गया ये वाला एरियाज़ और भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स है यहाँ पे करने के लिए अगर आप मतलब आना चाहो विज़िट करना चाहो तो काफ़ी सारी जगह है ट्रैक करने के लिए अभी मैंने काफ़ी सारे लोकेशन को मार करके रखा रह है जहाँ पर मैं विज़िट करने वाला हूँ आगे आगे के लिए देखते वाला टाइम मिलता तो मैं प्रॉपरली दिखाऊँगा आपको बस ऐसे ही और बर्फ के टाइम पे यहाँ पे जब मतलब दिसंबर और जनवरी होता है तब भी यहाँ पे मतलब तीन से चार फीट तक बर्फ़ पड़ जाती है कई बार तो चार फीट से भी ज़्यादा बर्फ पड़ जाती है बिल्कुल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉप है तब भी मतलब काफ़ी सही रहता है मैंने उनकी उन सभी दृश्यों की यहाँ पे वीडियोस बनाई आप मेरे चैनल्स पे देख सकते हो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मतलब तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ भी होती है यहाँ पर मतलब काफ़ी बर्फ भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है ऐसे इस जगह पर और जो फिर ये नीचे वाले जो जंगल दिखते हैं यहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा सही हैं एकदम से ढके हुए तो उस टाइम की भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई आप चाहो तो इंटरेस्ट हो तो देख सकते हो नहीं तो मानसून में भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है ऐसे